क्या वोट डालने के लिए वोटर कार्ड है जरूरी? वोट डालने के लिए क्या है चुनाव आयोग का नियम? यहां जानिए हर जरूरी सवाल के जवाब। इन दिनों देश में पूरी तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है। गुजरात चुनाव समेत कई जिलों में चुनाव तो कहीं उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वोट डालने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। अब मान लीजिए कि आपको अपना वोट देना है, लेकिन आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी आप अपना वोट दे सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी सरकारी आईडी यानी कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि को दिखाकर वोट दे सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा भी है या नहीं, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ आपके फ़ोन में मौजूद है, वो भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। जी हाँ, सबसे पहले इसके लिए आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट electoralsearch.in पर जाना है। फिर वहाँ आप अपना नाम, पिता या पति का नाम, लिंग और उम्र भरें। फिर नीचे दिए गए राज्य, जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चयन करें और लास्ट में दिए गए कोड को भरने के बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तो वो अपने आप आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आप वोट डालने के लिए गए और वहां जाकर आपको पता चला कि आपका वोट किसी और ने डाल दिया है और आपके पास अपने सारे दस्तावेज मौजूद हैं, तो ऐसे में भी आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल वहां मौजूद अधिकारी के पास आपको जाना है और उन्हें अपनी समस्या बतानी है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप किसी भी दशा में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पहुंचने से पहले ही किसी ने आपका वोट डाल दिया है, तो फिर आप चुनाव अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या बताकर वोट डालने की मांग कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दूसरी बार वोट कैसे पड़ेगा, तो जवाब ये है कि चुनाव आयोग के नियम के अनुसार किसी भी ऐसे शख्स को वोट डालने की अनुमति कतई नहीं होती जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं हो। अगर ऐसे लोग जबरदस्ती वोट डालने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग के नियम में टेंडर वोट का प्रावधान है। जी हाँ, इस नियम के तहत मतदान केंद्र पर पहुंचने पर अगर आपको ये पता चले कि आपका वोट किसी ने पहले डाल दिया है, तो आप टेंडर वोट के जरिए इसे चुनौती दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको मतदान केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होगी। पीठासीन अधिकारी आपसे जुड़े दस्तावेजों की पूरी जाँच करेगा। यह जाँच की जाएगी कि आपने जो दावा किया है क्या वो सही है या फिर नहीं। अगर आपका दावा सही निकलता है तो बैलेट पेपर के जरिए पीठासीन अधिकारी आपका टेंडर वोट डलवा सकता है, लेकिन अगर आपका दावा गलत निकलता है तो फर्जीवाड़े के आरोप में आपको पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर आपको दावा तभी करना है जब आप सही हो। इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।